लस्ट स्टोरीज के पहले पार्ट ने ओटीटी की दुनिया में खलबली मचा दी थी। बोल्ड कंटेंट और बोल्ड सोच दोनों में काफ़ी फर्क होता है। एक तरफ बोल्ड सोच के दम पर एक ऐसा कंटेंट पेश किया जा सकता है जो पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है, तो दूसरी तरफ आता है बोल्ड कंटेंट जिसकी ओटीटी की दुनिया में एक अलग ऑडियंस होती है। लस्ट स्टोरीज 2 दूसरी कैटेगरी में आती है। लस्ट स्टोरीज 1 देखने के बाद अगर आप उस उम्मीद से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। लस्ट स्टोरीज 2 फिल्म में 4 स्टोरियां हैं। पहली कहानी मेड फॉर एच अदर में हमारी मुलाकात होती है एक बोल्ड दादी से जो अपनी पोती वेदा को और उसके होने वाले पति दोनों को जो परिवार के सामने शादी से पहले सेक्स की सलाह देती है। अब इस ओपन माइंडेड दादी की इस सलाह के बाद दोनों परिवार पर क्या असर होता है और क्या वेदा और अर्जुन उनकी सलाह मानते हैं, ये आर बाल की इस कहानी में दिखाया गया है। दूसरी कहानी द मिरर में हम सिंगल वर्किंग वूमेन इसीता से मिलते हैं जिसे जोर का झटका तब लगता है जब वो अपनी मेड को खुद के बेड पर अपने पति के साथ सेक्स करते हुए देखती है और ना चाहते हुए भी उसे छिप छिप कर इस तरह से देखना और अकेले इंजॉय इसीता की आदत बन जाती है। क्या अपने ही घर में इसीता की ये चोरी पकड़ी जाएगी या नहीं, ये हमें कोंकड़ा सेन शर्मा द्वारा निर्देशित कहानी में दिखाया गया है। इस फिल्म की तीसरी कहानी है कमान सुजाय घोष के हाथों में। सेक्स विद एक्स में हम रूबरू होते हैं घर जमाए बनने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी के CEO बने विजय वर्मा से। विजय अपनी लग्जरी लाइफ का खूब लुत्फ उठा रहे हैं और उनकी एक्स वाइफ शांति से टकराते हैं। अपने पहले प्यार को देख हैरान विजय एक बार फिर शांति के साथ मिलकर एक प्लान करता है। इन दोनों की ये प्लानिंग कहानी में और एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आती है जो आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। इस फिल्म की आखिरी कहानी है तिलचट्टा जो देवयानी और सूरज सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। कोठे के राजघराने में महारानी बनी देवयानी अपने बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहती है तो वही महाराजा सूरज सिंह को हर औरत अपने हरम का हिस्सा लगने लगती है। ऐसे में देवयानी अपने पति सूरज सिंह को कुछ डेट कदम उठाती है जो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। लस्ट स्टोरीज 2 में दिखाई गई कहानियों में बिल्कुल भी दम नहीं। आज OTT की दुनिया में जिस तरह का कंटेंट पेश किया जाता है उससे यही लगता है कि लस्ट स्टोरीज 2 बकवास है। ना तो अपनी सेक्स लाइफ के किस्से सुनाने वाली दादी अट्रैक्ट कर पाती है, ना ही विजय तमन्ना की केमिस्ट्री। तिलोत्मा और अमृता सुभाष की कहानी ठीक ठाक है तो काजोल की कहानी इस कड़ी की सबसे कमजोर कहानी है। जब किसी भी प्रेजेंट में आर बाल के सुजाय घोष, अमित, रविंद्रनाथ शर्मा, कोंकड़ा सेन शर्मा जैसे नाम जुड़ जाते हैं तब ऑडियंस की उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन ये फिल्म इस उम्मीद पर पानी फेर देती है। अंगद बेदी, मृणाल ठाकुर से लेकर काजोल, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, अमृता सुभाष, तिलोत्मा जैसे मंचे हुए कलाकार इस सीरीज में हैं। सभी ने अपने किरदारों को न्याय देने की कोशिश की है लेकिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग भी इस फिल्म के नया को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई है। वहीं अगर आप काजोल, मृणाल ठाकुर, नीना गुप्ता के फैन हैं तो ये फिल्म जरूर देख सकते हैं। आपके पास वीकेंड पर और कुछ ऑप्शन नहीं है तो आप ये फिल्म देखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लस्ट स्टोरीज फर्स्ट एक रिफ्रेशिंग कहानी थी लेकिन अब इस तरह के कंटेंट कई OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जिसमें कई बेहतरीन कहानियां हैं। वो समाना चला गया जब औसत दर्जे का कंटेंट पेश करके सक्सेस हासिल किया जा सकता था लेकिन अब ऑडियंस समझदार हो गई है। इस तरह की बेकार कहानियों को एंटरटेन नहीं समझा जा सकता, ये एरोटिका आपको इरिटेट कर देगी। तो दोस्तों, क्या आपने लस्ट स्टोरीज 2 फिल्म देखी और अगर देखी है तो ये फिल्म आपको कैसे लगी, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।